इस समय कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म हो चुका है और ये सरकार जो है मनुस्मृति का लॉ CA NRC के थ्रू मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमान के विरोधी है CA NRC, उनको ये बात समझना चाहिए कि मुसलमान से ज़्यादा दलित पिछड़े और आदिवासियों के खिलाफ ये इसका इस्तेमाल होना है। इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, किस समय फैसला आया है। कोई भी संस्था राज सत्ता से परे नहीं होती है, जैसा स्टेट होगा राज्य की जो का जो नेचर होगा उसी का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे भी पड़ता है और अन्य संस्थाओं इलेक्शन कमीशन हो चाहे UPSC हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो सब पे उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप देखिए SC ST Act का मसला हो या रोस्टर का मसला हो चाहे ये मसला हो, ये तमाम एक पैकेज है, पैकेज में इसको समझने की ज़रूरत है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये बात सही है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है रिजर्वेशन, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में डाला हुआ है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के। तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट को अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जा सकता है? क्या नहीं देखा जा सकता है? कि हमें ये देखना है कि आखिर ओवरऑल मैंडेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैंडेट है कि सोशल जस्टिस, जस्टिस, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, ये है ओवरऑल मैंडेट। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इसमें चर्चा नहीं करती है कि इक्वलिटी आई कि नहीं, बंधुत्व आया कि नहीं, और जैसे जैसे राज्य का जो चरित्र उसके हिसाब से निर्णय देते हैं। आज जो ये डिसीजन दिया इन्होंने, क्या इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में बुद्धिमान जज लोग नहीं आए थे? पहले भी आए होंगे, लेकिन वो समझ, देखिए ये विश्वास पर ट्रस्ट चलता है, लोकशाही ट्रस्ट पर भी चलता है कि ये मान के चला जाता है कि जो बड़े पोजिशन में बैठे हैं वो अपने विजडम का भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात बताइए, इन्होंने कहा है कि भाई रिजर्वेशन में या प्रमोशन में ये मौलिक अधिकार नहीं, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल ने रिजर्वेशन को बढ़ाया OBC रिजर्वेशन को, तो कोर्ट ने वहाँ क्यों इंटरफेयर किया? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए था और हाई कोर्ट को निर्देश देना चाहिए था। तो ये लीला समझना है, जहाँ रिजर्वेशन खत्म करना हो वहाँ तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन पूरा करना हो, जहाँ अधिकार देना हो, तो वहाँ बोलेंगे हम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये लीला है, समझिए। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहना चाहिए था कि 10% रिजर्वेशन क्या है। जब आप टेक्निकल बात पे, ये भी कहना चाहिए था क्या जज का बेटा जज बनेगा, ये कौन सा राइट है? ये 200 फैमिली के बीच में पूरी हायर जुडिशरी भारत में सिमटी हुई है, कोलिजियस सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट को भी जो पावर मिलता है वो भारत के संविधान से ही मिलता है। भारत के संविधान का प्रस्तावना का पहला अक्षर ही हम भारत के लोग संप्रभु हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सैक्रोसेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी संप्रभु नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इररिस्पॉन्सिबल जो है उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि भाई एक फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है और वेलफेयर स्टेट हमारा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सीधा कहने में क्या हर्जा है कि भाई ये खाली सवर्ण को सारे अधिकार होंगे और खाली पूंजीपतियों को कह दो, कौन रोका? लेकिन सर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो कहा था कि रिजर्वेशन होना चाहिए ना, उसको टर्न डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और देखिए मैंने कहा राज की लीला है, ये भाजपा सरकार ये संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। जो लोग स्टेट की तरफ से मुकुल रोहतगी है और दो लोग और थे वो सब BJP के लॉयर्स हैं, तो जाके क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आरक्षण खत्म करवाने के लिए ये पूरी चाल है, राज्य के साथ इनका सांठगांठ है और हर बार हुआ है कि जब समाज सड़क पे आया है तब जाकर जो है ये फिर सरकार अध्यादेश लाती है। इसी बीच हमको दिखा रहे थे पाकिस्तान, हमको दिखा रहे थे CA और SC Act को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया। तो ये समझिए पूरा कैरेक्टर है जो जुडिशियरी का, जुडिशियरी को भी डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, जो जुडिशियरी की भी सोशल ऑडिटिंग की ज़रूरत है, उसकी भी सामाजिक समीक्षा होगी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो क्या सर पर्दे के पीछे BJP सुप्रीम कोर्ट की आड़ में है, ये तो और क्या कहना है, इससे ज़्यादा ब्लेटेंट क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट सार्वभौम नहीं है, अगर वो निर्णय संविधान सम्मत तो होगा तो उसकी सराहना होगी, तारीफ करेंगे, लेकिन लग रहा है कि संविधान की जो स्पिरिट है, जो इंस्टिंक्ट है, उसकी बर्बादी हो रही है, हत्या हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना से पड़े नहीं है। देखिए एज ए एक्टिविस्ट एकेडमिशियन मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, और आपने हिंदू कॉलेज का मसला देखा भी होगा
कि हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हुआ, उसको स्कूल के टेक्स्ट बुक हैं, उसने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखे हैं, कोई बीए लेवल का किताब नहीं लिखा है, यूजीसी कह रहा है कि स्कूल हमारे करिकुलम में नहीं है, हाई कोर्ट में सिंगल जज ने उसको टर्न डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है एकेडमिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम कह रहे थे कि एकेडमिक मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए, लेकिन जो प्रोसीजर है उसमें तो इंटरफेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वहीं जहां 10 किताब लिखा हुआ रिसर्च किताब उसको टर्न डाउन कर रही है, और जो दोयम दर्जे का स्कूल टेक्स्ट बुक 5-5 लोग मिलकर लिखते हैं उसको बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी समीक्षा से पढ़े, उनकी समीक्षा होगी कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी भी बायस्ड है, इसको भी डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। इसमें जब तक SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसी तरह के न्यायालय, क्योंकि सबसे कई बार आप देखेंगे कि सबसे इनरिस्पॉन्सिबल तरीके से सुप्रीम कोर्ट बिहेव करती है, ये आंकड़ों की बात कर रही है। तो आपने सरकार को निर्देश दिए कि आप आंकड़ा लाओ, जाति जनगणना कराओगे तभी ना आंकड़ा आएगा, कितने जजेस हैं दलित बैकवर्ड के, कितने सेक्रेटरी हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, ये आंकड़ा कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा ना, तो सरकार आंकड़े देंगी ना। तो आप ये कहो कि जाति जनगणना कराओ, आंकड़े लाओ, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे मौन है, कुछ नहीं कहता है। तो इसलिए देखिए जुडिशियरी भी कई बार जो है ना बहुत इरेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करती है। उसका कारण ये है कि ये जनता और समाज के प्रति आंसरेबल नहीं, उनको वोट नहीं मांगना है, 5 साल में जाना नहीं है। एक जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं हम सब जानते हैं, एक बार जज बन गए तो उसके बाद जो है किसी से आंसरेबल है, जो मर्जी है डिसीजन आप देते रहो। तो इस तरीके से इसको टोटालिटी में संविधान के मैंडेट को समझ के इस पर बात की जानी चाहिए थी कि 70 साल से अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो 70 साल से सरकारें क्या चला रही हैं, फिर उसको बताना चाहिए था ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट क्या है। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, पूरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन बेचे जा रहे हैं उस पर कोई इंटरफेयर नहीं होगा, रेल बिक रहा है, जहाज बिक रहा है, विश्वविद्यालय बिक रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं, सारे अडाने माने राजे हुए जा रहे हैं, महाराजा हुए, इस पर कोई बात नहीं है। सर आपने टाइमिंग की बात करी कि उधर CA और NRC को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहा है, उसी बीच में ये ले आते हैं, क्या लोग जो उलझे हुए हैं CA और NRC में ताकि उनका ध्यान न जाए, ऐसा टाइम इन्होंने? देखिए बचपन में जो है हम लोग खेल खेलते थे कि किसी बच्चे के हाथ में मिठाई हो और उससे छीनना हो तो उसको ऊपर दिखाते थे, कौवा देखो, तो कौवा दिखाते थे, हाथ में से मिठाई छीन लेते थे। तो ये सरकार इसी फिलॉसफी पे काम कर रही है, आपको कई बार CA ले जाएगा, कई बार पाकिस्तान ले जाएगा, कभी अब हिंदू खतरे में था दिल्ली में 6 तारीख तक, अब बिहार में हिंदू खतरे में आएगा, अक्टूबर में चुनाव है, फिर बंगाल में हिंदू खतरे में आएगा, फिर इंडिया पाकिस्तान होगा, गाय गोबर होगा, हिंदू मुसलमान होगा। तो हमें दिखा रहे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, और यहाँ पे सारे सब कुछ बेचे जा रहे हैं, LIC बिक गया, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बिके जा रहे हैं, ट्रेन बिके जा रहे हैं, जहाज बिके, सब बेच रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, और ये सरकार जो है मनुस्मृति का लॉ CA NRC के थ्रू मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमान की विरोधी है CA NRC, उनको ये बात समझना चाहिए कि मुसलमान से ज़्यादा दलित पिछड़े और आदिवासियों के खिलाफ ये इसका इस्तेमाल होना है। सर कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो दे सकती है रिजर्वेशन, तो इसलिए तो कह रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ में जब OBC का रिजर्वेशन बढ़ा तो वहाँ कोर्ट क्यों इंटरफेयर किया, क्यों नहीं उस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने सैक किया? तो आप शो मी योर फेस एंड आई विल शो यू द रूल्स, कि आप जैसे चेहरा दिखाओगे वैसे हम कानून बताएंगे। तो देखिए इस देश में लोकशाही है, और बाबा साहब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला ही लाइन है हम भारत के लोग। जिस दिन भारत के लोग अपने सड़क पे हक हकूक स्वाभिमान सम्मान के लिए सड़कों पे आएंगे उस दिन कोर्ट को ही बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट को ही बदलना पड़ेगा। क्या क्या सर अब इन जो नेता हैं BJP में और जो सोशल जस्टिस मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, क्या इन लोगों पे अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे? उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिल्ली को तो दही की रखवाली दे दोगे तो बिल्ली के प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो जो रखवाली दे रहा है उसका प्रॉब्लम है। तो BJP में राष्ट्रपति बना दो, मंत्री बना दो, उनकी कोई वहाँ पे हैसियत थोड़ी है, कोई हैसियत नहीं है। SC कमीशन जाके देख लो, सफ़ेद हाथी है, कोई काम नहीं करता है कोई। मैं तो खुद ही कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे, ये सब तनखैया लोग हैं, ये भाजपा सरकार से तनख्वाह लेती है, चुपचाप कहती है व्यक्तिगत मुक्ति करो, मंत्री बनो, लेकिन समाज में कोई बात नहीं करनी है। इसी पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद ताली बजा रहे थे बगैर समीक्षा किए, बगैर बाबा साहब को पढ़े कि NRC में क्या है, CA में क्या है।
10% रिजर्वेशन पे हमारे ही सांसद ताली बजा रहे थे बिना ये पूछे हुए कि ये रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है। कहाँ गया एस सी एस टी ओबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, उस पर हमारे नेता नहीं बोलते हैं क्योंकि उनका टिकट कट जाएगा, उनका तनख्वाह बंद हो जाएगा। तो क्या सर दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ेगा? डेफिनेटली, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब जनता, जिसका समाज जिंदा होता है उसी की राजनीति भी जिंदा। जब तक लोग सड़क पे नहीं उतरेगा, जब तक लोग आंदोलन नहीं करेगा, जब तक हिस्सेदारी का सवाल नहीं उठाएगा, तब तक आपके सारे हक हकूक मारे जाएंगे। और आप सीधा और सीधा समझ लीजिए, मनुस्मृति का रूल लागू हो जाएगा। न दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को न संपत्ति रखने का अधिकार होगा, न पढ़ने का अधिकार होगा, न नौकरी करने का अधिकार होगा। ये सरकार कोई जेल नहीं बनवाएगी, पूरे भारत को ही जेल बना देगी। बोले रहो यहाँ पे, मजदूरी करो, खाना खाओ, तुम्हारे अधिकार नहीं हो। सर, एनआरसी को सपोर्ट करने वाले गार्गी कॉलेज में 2 दिन पहले घुसकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी। अब ये तो देखिए, अब सब इशू पे क्या कहा जाए। आप चरित्र पूरा से, मैं चरित्र पे बात कर रहा हूँ, यहीं पे पिस्तौल लेके जामिया में भी पहुंच जा रहा है। तो ये पूरा चरित्र है ना, स्टेट का चरित्र है कि जैसा चरित्र होता है, जेएनयू में मारपीट करने वाले लोग की आज तक पहचान नहीं हो पाई। तो स्टेट का चरित्र ही है कि संविधान में आस्था नहीं है, मनुस्मृति का रूल लागू करने वाला, ये बात है बेसिक बात। थैंक यू।